खड़े हुए उठा करके बैठ जाइए क्योंकि पीछे बैठे वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सही बात है। सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ सामने बैठी हमारी माताएं बहनें बिटिया भाई दादा बड़े बुजुर्ग मीडिया कर्मी सुरक्षा कर्मी आप सभी को मेरी तरफ से जोहार नमस्कार प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और जो जोश यहाँ दिखाई दे रहा है जो चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है ये देख के पता चल रहा है कि हमारी आधी आबादी बहुत खुश चल रही है। और झारखंड में जो फिजा बदल गई है हवा की रुख बदल गई है इसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय बेबी देवी जी का है और आदरणीय हेमंत सोरेन जी का है कि जिन्होंने एक ताकत दी है आत्मविश्वास जगाया है आर्थिक स्वरूप से मानसिक स्वरूप से हमारी आधी शक्ति को ताकत देने का काम किया है। झारखंड में अगर अभी कुछ चल रहा है तो मैया चल रहा है मैया सम्मान चल रहा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चल रहा है। लेकिन आज ये चुनावी पर्व है सब जोश में है खरोश में है घोष में लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ इस भारी भीड़ के भी एक ऐसे व्यक्तित्व की कमी हमें सबसे ज्यादा खलती है जिसे हम असली टाइगर जगन्नाथ दा कहते हैं। अमर रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले लेकिन ऊपर से वो ढेर सारा आशीर्वाद दे क्योंकि जिन्होंने कोविड के समय में उनका खुद का इलाज हो रहा था लंग ट्रांसप्लांट हुआ था उसके साथ उनकी जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी विधायक के तौर पे मंत्री के तौर पे मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ उन्होंने अपनी जान को पीछे रख करके अपने सबसे ज्यादा तवज्जो दिया अपनों को अपने परिवार वालों को पीछे छोड़ करके अपनी जान की कुर्बानी दी और उस कोविड की अवस्था में भी जब हेमंत सोरेन जी उन्हें कहते थे कि आप दवा आराम करिए इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है उस वक्त में भी मुझे लगता है उन्होंने अपने बारे में भी नहीं सोचा और आज ये मंच खाली है ये मंच कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच में जगन्नाथा नहीं है लेकिन उसके साथ में ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में आदरणीय बेबी देवी जी हैं और मैं जोरदार आप लोग ताली बजाइए आदरणीय बेबी देवी जी का जिन्होंने इस कोविड में अपना सुहाग खोया अपना मंगलसूत्र खोया लेकिन अपनी चेहरे की उनके दुख को छुपा करके हमारी झारखंड की मैया का चेहरे में जो उन्होंने चमक लाने का काम किया है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आदरणीय बेबी देवी जी के साथ। और मैं ये कहना चाहती हूँ इनके साथ मुझे सफर करने का मौका मिला मैया सम्मान यात्रा का और कहीं ना कहीं बहुत सीखने को मिला
जीतिया का पर्व था और जीतिया के पर्व में मैडम हम लोग के साथ थी, दीपिका मैडम के हम थे साथ में थे और दिन हमने सुबह से यात्रा आरंभ की थी, बहुत लंबी यात्रा थी। लेकिन उस यात्रा में मैडम निर्जल होकर के, आदरणीय मैडम निर्जल होकर के व्रत भी कर रही थी, सभा भी कर रही थी और अंत में जब हमारी पांकी में सभा समाप्त होती है तो हम एक बगल में एक परिवार थे, वो लोग जुतिया पर्व कर रहे थे, वहां हमने जुतिया का पर्व मनाया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैडम के माध्यम से मुझे जुतिया पर्व करने का मौका मिला। और एक महिला उपवास में निर्जल होकर के अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने परिवार को बांधने के लिए, उनको ताकत देने के लिए व्रत करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सीखने को मिला कि एक माँ, एक बड़ी भाभी, एक चाची, एक सास, एक बिटिया किस तरीके से, चाहे वो गृहिणी के रूप में हो, चाहे वो कामकाजी महिला हो, वो अपना फर्ज हर क्षेत्र में हर तरीके से निभाती है। और ये उदाहरण है आदरणीय बेबी देवी जी, और क्षेत्र में जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, अभी हम आ रहे थे तो मैडम ने देखा, देखिए मैडम यहाँ पर भी हम लोगों ने मॉडल स्कूल खोल लिया है। जो चमक थी इनकी आंखों में, जो बोलने का उत्साह था, वो देख के मैं समझ सकती हूँ कि जगन्नाथ दा का सपना हमारे झारखंड वासियों को शिक्षित कराने का, सशक्त कराने का, मजबूत करने का मानसिक रूप से, ये प्रयास, ये सपना अब निरंतर आगे चलता रहेगा, क्योंकि आदरणीय बेबी देवी जी ने कमान संभाल ली है, एक महिला ने कमान संभाल ली है। और आप समझते हैं महिला कभी भी अपना घर क्या दूसरे का घर भी नहीं तोड़ती है, हर किसी को जोड़ करके आगे लेकर के बढ़ने का काम करती है। आज चुनाव का माहौल है, चुनावी सभा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि झारखंड चुनाव के समय से अपने चुनाव के समय के पहले चुनाव में आ गया है। और कहीं ना कहीं ये हमारे केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, ये नहीं चाहती हैं कि हमारे झारखंड की आवाज को सही तरीके से चुनाव में डाला जाए। पहले ये चुनाव पहले कराते हैं, समय से पहले, और पहले झारखंड में चुनाव 5 चरण में होते थे, अब ये 2 चरण में सीमित कर दिया है इन्होंने। ये नहीं चाहते हैं कि हमें, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को ये ताकत मिले कि वो अपना प्रचार अच्छे से कर सके। उन्होंने 2 चरण में जिस चुनाव को किया, और आपको बात जानकर हैरानी होगी, भेदभाव का स्तर इतना हो गया है कि ग्रामीण झारखंड को का मतदान का जो समय है वो शहरी मतदान से 1 घंटा कम कर दिया है। ये सवाल है हमारे संविधान में जो हमें हक अधिकार मिला है, ये उसका हनन करने का एक तरीका इन लोगों ने ढूंढा है। लाभान्वित किया गया ग्रामीण, जिनसे हमारे खेत लहलहाते हैं, ग्रामीण जहां पर भी हमारे मेहनत कश लोग काम करते हैं, आज अगर सबसे ज्यादा खुश है तो हमारे ग्रामीण लोग हैं। उनके अधिकार को हरण करने का एक नया रास्ता एजेंसियां ढूंढ ली हैं कि मतदान का समय को घटा दिया गया है। मैं इस मंच से अपील जरूर करना चाहूंगी और सवाल भी करना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र का, हमारे में हमारे अधिकारों का हनन करने का आपने कौन सा नया रास्ता ढूंढ लिया है। आज हम गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान इतने सालों से दबे कुचले जा रहे थे,
आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सब दुख तकलीफ में थे। पिछली सरकार में सिर्फ सीएम हाउस के सामने में धरने प्रदर्शन होते थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे, चाहे पोषण सखी बहन हो, जल सैया हो, स्वास्थ्य सैया हो, सब आकर के खुशियां मनाते हैं और आकर के अपनी खुशियों को सीएम हाउस के सामने में उसको प्रकट करते हैं। आज हम अपने अधिकारों के लिए जो बात करते हैं, चाहे हमारे नियोजन नीति की बात हो, हमारे पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण की बात हो, इसको विधानसभा से पारित कर दिया जाता है। इस झारखंड की सरकार, आपकी अपनी सरकार, अगुआ सरकार को ने पारित कर दिया, लेकिन आगे जाकर के ये लोग रोक देते हैं। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि पिछड़ों को इन्होंने जो 14% का आरक्षण बीजेपी वालों ने यहाँ पे सरकार बनी थी जब झारखंड बना था, उसको ये 27% नहीं करना चाहते, लेकिन यही पिछड़ों का आरक्षण दूसरे राज्यों में 27% है। आज झारखंड अपने हक के लिए लड़ता है, अपने आरक्षण के लिए लड़ता है और अपनी आवाज को बुलंद करके झारखंड की सरकार आगे बढ़ाती है, लेकिन ये केंद्र में बैठे लोग, बीजेपी के लोग, हमारे आरक्षण पे नजर डालते हैं। यहाँ उनकी सरकार नहीं है तो 27% नहीं करेंगे, यहाँ उनकी सरकार नहीं है तो नियोजन नीति को लागू नहीं करेंगे। आज हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलने का कारण इन लोगों ने जो हमारे नियोजन नीति को लागू नहीं किया है झारखंड में, ये उसी का कारण है और इसके लिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि ये आवाज है हमारे झारखंड की महिलाओं की, ये आवाज है हमारे युवकों की, ये आवाज है हमारे बुजुर्गों की, ये भविष्य है हमारे आने वाले नौनिहाल बच्चों का, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा मिले, आपको पढ़ाई हो, रोजगार हो, आपका भविष्य सुदृढ़ हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है ये झारखंड सरकार। ये आपका बेटा की सरकार है, ये आपके दादा की सरकार है, ये आपकी अपनी सरकार है। आज हम निरंतर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। हेमंत सोरेन जी ने केंद्र सरकार से अपना बकाया भी मांगा है, आपको पता है कितना बकाया है? 1,36,000 करोड़, 1,36,000 करोड़। आप बताइए, आप याद करके बताइए, और अगर बीजेपी के लोग आपके सामने आते तो सवाल जरूर पूछेगा कि हमारा 1,36,000 करोड़ कब दीजिएगा। केंद्र में आपकी सरकार है, धरती यहाँ का, झारखंड का चीर करके खजाना लेकर के जाते हैं और हमारा बकाया हमें नहीं देते हैं। मनरेगा में कितना बकाया है हजारों करोड़ों का, उसमें हमको नहीं देते हैं। झारखंड के साथ निरंतर भेदभाव होता है और ये झारखंड भूमि, यहाँ पे इतने शहीद हर एक कोने में है जिनकी कहानियां हम सुनते हैं और उनसे लड़ने की प्रेरणा हमें मिलती है कि अपना सर कभी नहीं झुकाना है। अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो सर उठा करके लड़ना है और सबको मिल करके लड़ना है। आज इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई, सिलेंडर, इलेक्ट चुनाव आता है, सिलेंडर बांटने की बात करते हैं, उसके साथ में बिजली बिल, कितना कितना बिजली बिल, 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपया, इतना इतना बिजली बिल माफ हुआ है, ये किसने किया है? आप ही बताइए किसने किया है? हेमंत सोरेन, बिजली माफ किसने किया है? हेमंत सोरेन। और 200 यूनिट बिजली फ्री किसने दिया है? सरकार। आज किसानों का, एक एक किसान का 2,00,000 ऋण माफ हुआ है, ये किसने किया है? तो अगर आप इस बार चूक गए तो ये जो आपको कर्ज से माफी, आपकी बिल से माफी, आपको नौकरी में दोबारा बहाली, जिस तरीके से पोषण सखी को हुआ है, ये सब सब रुक जाएगा।
आज ये मैया सम्मान लेकर के हम लोग आए हैं और इनके पीआईएल कैंप वाले उसमें पीआईएल लगाते हैं। पहले पीआईएल लगाए जब हमने अपनी आवाज बुलंद की, 1000 रुपया दिया तो ये बताते हैं कि हम 2100 करेंगे। सोच देखिए, सोच ये है कि अगर झारखंड में कुछ भी कल्याणकारी योजना अगर धरातल में उतर रही है, यहाँ के लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी वालों को होती है, क्योंकि ये सिर्फ बोलने में तेज है, लेकिन अगर धरातल में काम करने की बारी आती है तो ये सब भूल जाते हैं। वोट लेने के समय ये आपको इतने ख्याली पुलाव दिखाएंगे, बताएंगे, कहानियां सुनाएंगे, लेकिन जब वक्त आएगा और आप लोगों ने, मैं बताना चाहती हूँ, जब पिछली बार इनको वक्त मिला था 5 साल का, ये लोग सीना ठोक के बोलते थे कि झारखंड में पहली बार है जब डबल इंजन की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। 5 साल का कार्यकाल पूरा आपने जरूर किया, लेकिन आप मुझे बताइए, हमारी आधी आबादी के बारे में आपने सोचना कैसे, आप भूल गए। आज झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अभी आबादी के बारे में सोचने का काम किया है। जो महिला अपने घर में अपने आप को पंक्ति में सबसे पीछे रखती है, उस पर पीछे रहने वाली पंक्ति में उनको आगे लाने का काम किया है। एक महिला गृहिणी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मंत्री बनाया, महिला बाल विकास का, और यही महिला बाल विकास मंत्री जी ने हमारे महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। बात 1000-2000 की नहीं है, बात उस सोच की है कि पहला कदम किसने बढ़ाया है, तो पहला कदम आपका बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन ने बढ़ाया है। आज ये जो वर्ष बीत रहा है, इस वर्ष की शुरुआत में ही आप जानते हैं हेमंत सोरेन जी को किस तरीके से षड्यंत्र के तहत जेल में डालने का काम किया, और जेल में डालते ही ये लोग ख्वाब होने लग गए कि जितनी भी यहाँ पर में झारखंडी लोग हैं इनको बेवकूफ बनाएंगे और सबको दिग्भ्रमित करके हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, ये झारखंड है और ये झारखंड के हमारे वीर शहीद के यहाँ पर में हमारी पीढ़ियां चल रही हैं, और हमारे अपने लोग जब उस वक्त में अपना सर झुकाए नहीं, अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, इसको लेकर के जब लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो उसी वक्त से हमारे इस झारखंड के लोगों ने ये सीख लिया कि सर नहीं झुकाना है, लड़ जाना है। जिस तरीके से हमारे जगन्नाथ दादी आज लड़ते लड़ते हमें ये सीख ले करके गए हैं कि अपने समाज के लोगों के लिए, अपने झारखंड के लोगों के लिए अगर आपको अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो पीछे मत हटिएगा। सबसे पहले मेरा परिवार, मेरा झारखंड परिवार है, और आज इस मन से मैं उनको नमन करना चाहती हूँ, हमारे वीर शहीदों को नमन करना चाहती हूँ, और आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को प्रणाम करना चाहती हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक व्यक्ति एक एक सिपाही है, और ये एक सिपाही चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही रहेगा और हर वक्त रहेगा। आपे सूर संगीत गुण है से तनकान माझी बाबा नायके गोड़े चादो बराबरी को बाबा को बोया मिसी को
आर पार्टी कमी कोड़ा कुड़ी को सलाम करके इन पास्ता को अड़ी गुण बना जोहार और आपे को बढ़ाए हेमंत सोरेन को अपना भाई हेमंत दादा को आशीर्वाद कीजिए। आदरणीय बेबी देवी जी को आशीर्वाद कीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए अपना, क्योंकि जनता जनार्दन है आप, भगवान है आप। आप चाहे तो सूखे पत्ते में जान डाल सकते हैं, आप चाहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की शान बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है और जोर से हम नारा करेंगे, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 किशन गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, 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 किशन गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे आदरणीय जगन्नाथ दा अमर रहे, एक ही बात कर, हमारे वीर शहीद अमर रहे, और ये लड़ाई, इस लड़ाई में आप लोग सब साथ हैं कि नहीं है? हमारे दीदी बहने बताइए, आप लोग साथ हैं कि नहीं है? सब साथ हैं। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी यहाँ आए, हमारी बातों को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। और याद रखिएगा, चुनाव की तारीख पहुंच चुकी है, घर में नहीं रहना है, ये चुनाव पर्व में घर से